हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस के रिजल्ट्स, राइट्स इश्यू और रिलायंस के चार्ट्स। आपको पता है कि रिलायंस ने कल रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और उन रिजल्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। राइट्स इश्यू जो अनाउंस किया है, तो राइट्स इश्यू क्या होता है और किस तरीके से आप वो अप्लाई कर सकते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चार्ट्स। चार्ट्स क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए और आगे जाके क्या होगा रिलायंस प्राइस का, ये हम चार्ट्स पे देखने वाले हैं। मेरा नाम है मंदार जामसांडेकर और मैं आपका स्वागत करता हूं इस YouTube सेशन में। तो शुरुआत करते हैं रिलायंस के रिजल्ट्स के साथ। तो रिलायंस के रिजल्ट्स में मेरे लिए पांच इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद फेसबुक। पिछले ही हफ्ते रिलायंस ने अनाउंस किया कि फेसबुक एक 10% स्टेक बाय करने वाला है रिलायंस जियो में, जिसका वैल्यूएशन करीबन 43,000 करोड़ के करीब है। तो वो एक बड़ा अनाउंसमेंट है, एक बड़ा सा पॉइंट है इस रिजल्ट्स में इस स्टॉक के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सऊदी अरामको का डील। सऊदी अरामको का जो ये डील है, ये बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि सऊदी अरामको रिलायंस में स्टेक बाय करेगा और बड़ा सा फंड रिलायंस के में इन्वेस्ट होगा। तो ये रिजल्ट्स के दौरान अंबानी जी ने ये अनाउंस किया कि जो ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस है वो चल रही है, तो आगे जाके हमें एक पॉजिटिव न्यूज मिल सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है रिजल्ट्स में मेरे लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिलायंस ने डिविडेंड अनाउंस किया है 6.5 रुपए का पर शेयर। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइट्स इश्यू अनाउंस किया है कि आपके पास अगर 15 शेयर हो तो आप एक शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं राइट्स इश्यू में। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा अनाउंसमेंट है राइट्स इश्यू से 53,125 करोड़ रिलायंस को जमा करने हैं। सो ये एक पॉजिटिव है। और लास्ट वाला जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिलायंस एम कर रहा है कि कंपनी को डेट फ्री करना है। तो एक साल में इन्हें डेट फ्री करनी है कंपनी। ये एक बड़ा सा डिसीजन है रिलायंस के लिए और ये मेरे लिए ये जो पांच पॉइंट्स हैं ये रिजल्ट्स में ये इंपॉर्टेंट टेक अवेज है। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि रिलायंस ने राइट्स इश्यू अनाउंस किया है, तो ये राइट्स इश्यू क्या होता है। तो राइट्स इश्यू होता है एक इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू रेज कैपिटल। यानी कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, उसे जब फर्दर कैपिटल रेज करना होता है तो राइट्स इश्यू, बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन होता है राइट्स इश्यू अप्लाई करना। तो राइट्स इश्यू के लिए एलिजिबल होते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो अगर आप शेयर होल्डर ना हो तो आप राइट्स इश्यू के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन रिकॉर्ड डेट सेट होता है, तो अभी तो अनाउंस हुआ है, अनाउंसमेंट के बाद एक बोर्ड मीटिंग होगा। राइट्स इश्यू का रिकॉर्ड डेट और राइट्स इश्यू के जो बाकी के जो डिटेल्स हैं वो फाइनलाइज होने के लिए, वो फाइनलाइज होने के बाद जब रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगा, उस रिकॉर्ड डेट से पहले जिनके पास ये शेयर्स होंगी, यानी जो शेयर होल्डर्स होंगे रिलायंस के, वो सारे एलिजिबल हो जाते हैं राइट्स इश्यू अप्लाई करने के लिए। तो वो बोर्ड मीटिंग अभी तक होना है, वो रिकॉर्ड डेट अभी तक आना है। तो ये था राइट्स। आप अप्लाई करने के लिए, जैसे मैंने कहा, 15 शेयर आपके पास हो तो एक शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस क्या होगी, तो प्राइस होगी 1,257 पर शेयर। ये प्राइस पे आपने अप्लाई करना है, ये प्राइस पे आपको मिलने वाला है। अब और एक चीज जो डिसाइड हुई, जो अनाउंस हुई है कल, वो है कि आपको अगर अप्लाई करना है तो आपने ऑन एप्लीकेशन 25% जो अमाउंट है वो आपने पे करना है। बाकी का जो अमाउंट है वो कैसे पे करना है, स्टेजेस में करना है या अलॉटमेंट में करना है, ये अभी तक डिसाइड हुआ नहीं है। ये डिसाइड करेगी राइट्स इश्यू की कमिटी। सो एक राइट्स इश्यू की कमिटी बनाई है रिलायंस ने, जो बाकी के डिटेल्स डिस्कस करेगी, फाइनलाइज करेगी। रिकॉर्ड डेट भी उसमें फाइनलाइज होगा, उसके बाद हमें वो पता चलेगा। तो लेकिन फिलहाल जो हमें पता है कि 25% आपने अपफ्रंट जब एप्लीकेशन करते हैं तब आपने भरना है, बाकी का बाद में देना है। और लास्ट वाला पॉइंट, राइट्स इश्यू कमिटी बनाई जाएगी जो ये बाकी के जो डिटेल्स है वो फाइनलाइज करेगी।
बहुत लोगों को लगता है कि जब राइट्स इश्यू आता है तब भाव गिरना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। हर एक केस में ऐसा होना जरूरी नहीं है। अब कोई तो आपको बोलेगा या आपने कहां पे सुना होगा कि राइट्स इश्यू से और शेयर्स मार्केट में आ जाएंगे, तो यानी सप्लाई साइड बढ़ेगा, डिमांड साइड उतना ही रहेगा और इसलिए भाव गिर जाएगा। तो ऐसा ऐसा नहीं होता है हर एक केस में, ये ध्यान में रखिए। और रिलायंस के केस में क्या होगा, अब ये सिंपल सा एक कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिया है। आपके पास अगर 15 शेयर है, 1467 से फॉर एग्जाम्पल आपने बाय किए हुए हैं, तो आपका ये इन्वेस्टमेंट हो गया 22,000 रुपए के करीब। अब जब आप एक शेयर राइट्स इश्यू का अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 1257 में, यानी जो आपके 16 शेयर्स हैं, ये अगर आप प्राइस कैलकुलेशन कर लो, यानी ये टोटल सम ऐड करके ये डिवाइड बाय शेयर्स अगर कर लो, तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 23,262 हो जाएगा, और पर शेयर जो प्राइस है आपकी 16 शेयर्स की वो हो जाएगी 1,454। करंट प्राइस कितना है तो 1,467, यानी कितना नीचे आ गया प्राइस, तो सिर्फ 13 रुपए नीचे आ गया। सो 13 रुपीज का डिफरेंस है। तो इसका ये मतलब नहीं कि भारी गिरावट देखने को मिलेगी राइट्स इश्यू के वजह से। हाँ, बाकी मार्केट में जो सप्लाई डिमांड है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, उसके वजह से प्राइस में ऊपर नीचे उछाल वो देखने को मिल सकता है, लेकिन सिर्फ राइट्स इश्यू अनाउंस होने से सप्लाई आ जाएगा और उसके वजह से प्राइस गिरेगा, तो ये मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो हमें बताता है कि इसमें इस वजह से भारी गिरावट नहीं आएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि जो आपने ध्यान में लेना जरूरी है। अब हम देखते हैं चार्ट्स, तो शुरू करते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट के साथ, यानी डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे मुझे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इमीडिएट जो दिखते हैं आपको भी दिख जाएंगे। अब मेरे पीछे ये डेली चार्ट है रिलायंस का। सबसे पहला जो पॉइंट आपको चार्ट पे इमीडिएट जो नोटिस होगा वो है कि रिलायंस में एक वी शेप रिकवरी। यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक गिरावट देखने को मिली, और जितने जोरों में ये गिरावट थी, जो स्पीड से ये प्राइस नीचे आ चुका था, उसी स्पीड से इसमें उछाल भी देखने को मिला। यानी आपको दिखेगा ये एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली। तो वी शेप रिकवरी कौन से केस में होती है कि जब कोई स्टॉक में स्ट्रेंथ हो, उसी समय आपको इस तरीके की वी शेप रिकवरी देखने को मिलती है। अगर स्ट्रेंथ ना हो तो गिरावट के बाद वो स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेड करते रहेगा, एक बेस बनाने की कोशिश करेगा, स्ट्रेंथ जमा करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद में उछाल दिखा सकता है। लेकिन जिस तरीके से इस प्राइस ने ट्रेड किया है, ये हमें क्लियरली बताता है कि रिलायंस में स्ट्रेंथ है, और जिसके वजह से ये वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि अब ये उछाल तो देखने को मिल चुका है, अब प्राइस क्या करेगा। अब अगर आप देखो तो प्राइस एक रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये रेजिस्टेंस ऑल टाइम लेवल्स के नजदीक है। तो ये यहां पे दिखेगा आपको, ये रेजिस्टेंस था, और ये किस तरीके का रेजिस्टेंस है, तो ये ऐसा लेवल है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसने इन द पास्ट सपोर्ट का भी काम किया हुआ था और रेजिस्टेंस का भी काम किया हुआ था। यानी आप अगर ये पीछे यहां पे अगर देखो तो यहां पे सपोर्ट बना हुआ था ये प्राइस, उसके बाद जब वो सपोर्ट ब्रेक हुआ, ये यहां पे आप देख सकते हैं कि सपोर्ट ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये रेजिस्टेंस था और वो रेजिस्टेंस पे अटक के वहां से ये भारी गिरावट देखने को मिली है। इसका मतलब है ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट सा लेवल है इस स्टॉक के लिए, और प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए ये 1510 की लेवल है, तो ये इंपॉर्टेंट सा रेजिस्टेंस बनता है, और ये इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता है स्टॉक प्राइस के लिए, और प्राइस ने इतना बड़ा उछाल देखने को मिला है। तो 900 के प्राइस से 1400-1500 के करीब तक ये स्टॉक अब बढ़ चुका है। इतनी बड़ी रैली एक महीने के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है, और स्टॉक फिलहाल रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो दो चीजें जो मुझे शॉर्ट टर्म चार्ट यानी डेली चार्ट पे जो इमीडिएट दिखती है वो है एक वी शेप रिकवरी जो मुझे बताती है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात मुझे यहां पे इमीडिएट दिखती है वो है कि स्ट्रेंथ तो जरूर है, वो स्ट्रेंथ ये स्टॉक को यहां तक ले आया है, लेकिन अब स्टॉक का एक टेस्टिंग टाइम आने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक एक रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब रेजिस्टेंस ये अकेला नहीं है, एक रेजिस्टेंस बैंड बनता है,
तो शायद ऐसे हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस 1510 का ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए, लेकिन लायंस के लिए एक हर्डल नहीं अब दो हर्डल्स है। 1510 का एक हर्डल है और उसके ऊपर 1618 का दूसरा हर्डल है जो बनता है ऑल टाइम हाई लेवल्स पे। यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे अटका, यहाँ पे अटका, यहाँ पे फिर से एक बार अटका, सो तीन बार ये स्टॉक वो लेवल पे अटक चुका है, तो वो एक मेजर सा रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। तो ये 1510 से लेके 1618 के बीच में शॉर्ट टर्म चार्ट पे आपने रेजिस्टेंस मॉनिटर करना जरूरी है ये लेवल्स पे, क्योंकि इतनी भारी रैली, इतना बड़ा उछाल ऑलरेडी देखने को मिला है। ऐसे हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस के बैंड के बीच में हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले। तो ये लेवल्स, ये शॉर्ट टर्म चार्ट पे लेवल्स है, ये लेवल्स ध्यान रखिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो ये लेवल्स का यूज कीजिए एक डिसीजन लेने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, तो पक्का ये लेवल्स आपके काम में आ जाएंगे। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट यानी मंथली चार्ट। कल 30th अप्रैल था यानी लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो लास्ट डे ऑफ द मंथ हम मंथली चार्ट भी एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि वो मंथली चार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अगर ये मंथली चार्ट आप देखो तो यहाँ पे आपको जो इमीडिएट नोटिस होने वाली चीज है कि जो लेटेस्ट कैंडल है, देखो कि किस तरीके से एक स्ट्रेंथ वाली व्हाइट कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में यानी 23 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक इस स्टॉक में 60% की अपमूव देखने को मिली है। जो तो 23 मार्च को जो इस स्टॉक ने यहाँ पे लो किया था, वो लो करने के बाद अगले एक महीने में ये स्टॉक में 60% का उछाल ऑलरेडी देखने को मिला है। तो ऑलरेडी ये स्टॉक बाउंस बैक कर चुका है 60% से। अब इतना भारी जब उछाल देखने को मिलता है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और इस केस में क्या हो रहा है, तो ये स्टॉक एक रेजिस्टेंस बैंड के नीचे है, इसलिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने की चांसेस है। अब अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर के दौर से ये अगर आप स्टॉक का ट्रेंड देखो, ओवरऑल अगर इस चार्ट पे अगर आप ट्रेंड देखो तो आपको दिखेगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको कुछ करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका लॉन्ग टर्म व्यू है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है, इसलिए आपने इसमें आपकी पोजिशन होल्ड करनी है लॉन्ग टर्म के व्यू से। लेकिन जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का हम कॉम्बिनेशन करते हैं तब एक चीज आपको समझ में आएगी कि शायद तीन कारणों की वजह से, यानी ऑलरेडी एक 60% की अपमूव पिछले एक महीने में देखने को मिली है, दूसरा स्टॉक रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, और जब इतने शॉर्ट समय में जब इस तरीके के मूव देखने को मिलती है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। ये तीन कारणों की वजह से ऐसे हो सकता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में से जा सकता है, यानी ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, फ्लैट ट्रेड कर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकता है। सो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ये कंसोलिडेशन का हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फिलहाल अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ ये चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स ने पोजिशन होल्ड करनी चाहिए। अब अगर आपको फ्रेश पोजिशन इसमें बनानी हो तो फ्रेश पोजीशन अगर आप ये लेवल्स पे बनाते हो तो वो ऑल टाइम हाई के नजदीक आप बनाओगे, करेक्शन अगर आएगा तो आपकी रिस्क इंक्रीज होगी, इसलिए आपने अक्यूमुलेशन करना चाहिए, यानी थोड़े-थोड़े शेयर्स आप करेक्शन में आप अक्यूमुलेट कीजिए। उससे क्या होता है कि जब आपको 100 शेयर बाय करने हैं, आप 10 शेयर बाय कर लेते हो, समझो आप प्राइस में करेक्शन आता है तो आपकी रिस्क 100% नहीं है, सिर्फ 10% आपने रिस्क ली है, नीचे में आता है नीचे में और आप 10% accumulate करते हो। ऐसे accumulation आप करना है ताकि आपका जो buying price है, entry price जो है, वो आप एक अच्छे level पे average out कर पाए। और इससे सबसे important बात जो होती है कि आपकी जो risk है, वो risk इसमें कम रहती है, यानी low रहती है, क्योंकि आप 100% position एक level पे नहीं बनाते हो, आप 10-10 तक का करके छोटी position आप बनाते हो, इसलिए आप कम position यानी कम risk, 100% risk नहीं 10% risk। इस तरीके से आप एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक फ्रेश ट्रेड इसमें बना सकते हैं, अक्यूमुलेट ऑन करेक्शंस टिल द प्राइस कंटिन्यूज टू ट्रेड इन एन अप ट्रेंड। जब ट्रेंड चेंज होगा तब व्यू भी चेंज होगा, लेकिन फिलहाल अप ट्रेंड में है तो ये व्यू इंटैक्ट है। तो ये चार्ट्स
जो हमने एनालाइज किया उसका कंक्लूजन अगर देखना हो तो उसका कंक्लूजन ये है कि स्टॉक में 60% की अपमूव ऑलरेडी पिछले एक महीने में हमें देखने को मिली है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉक 1510 से लेके 1618 के रेजिस्टेंस बैंड के नीचे ट्रेड कर रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टॉक अभी जैसे मैंने कहा रेजिस्टेंस बैंड के नीचे है। चौथा, शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो व्यू है वो कंसोलिडेशन का है क्योंकि स्टॉक में 60% की उछाल देखने को मिली है प्लस रेजिस्टेंस बैंड के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये कंसोलिडेशन वाला हो सकता है। लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो अप है, अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो अब तक जो हमने डिस्कस किया उसका कंक्लूजन ये होगा कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपने प्राइस करेक्शन में स्टॉक अक्यूमुलेट करना है। दूसरा, अक्यूमुलेशन ये जो है ये स्मॉल क्वांटिटी में होना चाहिए ताकि आप एवरेज आउट कर पाओ आपकी एंट्री प्राइस, उसके साथ में आपका रिस्क भी कम रहेगा। ट्रेडर अगर आप हो तो ट्रेडर ने क्या करना है, तो जो हमने लेवल्स डिस्कस किए हैं इसका इस्तेमाल करना है। जो कुछ आप डिसीजन लोगे आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए, शॉर्ट लॉन्ग ये लेवल्स का यूज करके आप डिसीजन लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट तो पक्का ये लेवल्स आपको हेल्प करेंगे रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए। और ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि एग्जीक्यूट ऑल ट्रेड्स विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो रिस्क मैनेजमेंट हर एक ट्रेड में जरूरी है। मैं तो कहता हूं ट्रेड लेने से पहले आप देखो रिस्क कितना है, अगर रिस्क कंफर्टेबल है तो ट्रेड लीजिए, अगर नहीं है तो ट्रेड अवॉइड कर दीजिए। क्वांटिटी आपके हाथ में होती है, रिस्क कितनी लेनी है वो भी आपके हाथ में होती है। तो रिस्क समझिए और उसके बाद में आप एक अच्छी पोजीशन बनाइए। आपके मन में ऐसा भी सवाल आ सकता है कि क्या रिलायंस जैसा स्टॉक मैं अगर पोर्टफोलियो में बाय करता हूं तो क्या ये मुझे मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है, ऐसा सवाल आपके मन में आ सकता है। अब ध्यान दीजिए, ये लॉन्ग टर्म चार्ट है रिलायंस का। अगर आप इस चार्ट पे देखो तो आपको रिलायंस का प्राइस कहां पे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है या ऊपर दिख रहा है? सीधी बात है, ऊपर दिख रहा है, यानी ऑल टाइम हाई के करीब हमें ये रिलायंस का प्राइस फिलहाल दिख रहा है। तो अब ऑल टाइम हाई लेवल पे हमें बाय करना है और वो भी एक मल्टी बैगर के तौर पर बाय करना है। अगर इस तरीके का सवाल आपके मन में है, कैन रिलायंस बिकम अ मल्टी बैगर, इस सवाल पे सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। मेरा ये एक वीडियो है जिसमें मैंने स्टॉक मल्टी बैगर्स, जो ऐसे स्टॉक्स कि जो ऑल टाइम हाई के लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं, यानी नीचे में मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्या ये स्टॉक मेरे लिए एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी बन सकती है? ये जो सवाल है इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में मैंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस की है जिससे आप ऐसे स्टॉक्स बाय कर सकते हो कि जो ऑल टाइम हाई लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं और वो जो आगे जाके एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। इस वीडियो का लिंक अब यहां पे ऊपर आ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज इंक्रीजेस बाय शेयरिंग। आपने मुझे इस वीडियो में ज्वाइन किया इसलिए आपका धन्यवाद। आपका मंदार जाम सांडेकर।